हेलो एवरीवन, मैं मुकुल। आज की वीडियो में बात करने वाले मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। मणिपाल का एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न जो पिछले साल तक था उससे कंप्लीटली चेंज हो गया, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है पैटर्न के अंदर। तो उस न्यू पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है, उन कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस ब्रांच की क्या कट ऑफ है और फॉर्म फीस इसकी कितनी है, इंडियंस के लिए कितनी है, एनआरआईज के लिए कितनी, हर एक डिटेल के ऊपर बात कर रहे होंगे। और इससे पहले मैंने कॉमेड के ऊपर, वीआईटी के ऊपर, जेई मेंस पे, बिटसेट के ऊपर डिटेल वीडियोज बना रखी, फॉर्म फीस वगैरह उनकी डिटेल सारी, फॉर्म के ऊपर क्या क्या डिटेल्स है, उनकी कौन कौन से प्रोसीजर है, क्या उनका एग्जाम पैटर्न है, क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, ये सारी बातें उन फॉर्म्स के बारे में मैंने कर रखी है। और वही सेम बात अपन एमईटी के बारे में करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो उन वीडियोस को देख सकते हो, बाकी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती है। तो शुरू करते हैं अपन एमईटी की सारी डिटेल्स देखते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ एमईटी के अंदर ये मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट है, एमईटी का मतलब। इसके अंदर मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है ऑनलाइन या फिर रिमोट प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन टेस्ट। देखो, ऑनलाइन मतलब ये तो क्या होगा, ऑफलाइन सेंटर पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। और एक होता है रिमोट प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन टेस्ट, जो आपको घर बैठे देना होता है ऑनलाइन, एकदम आपके लैपटॉप से आपको देना। जैसे पिछले साल मेरा ये रिमोट प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन टेस्ट ही हुआ था। अब इस साल क्या सिचुएशन रहती है उसके अकॉर्डिंग इसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो रहेगा। पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर होगा, टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट्स की होगी, पहले ही होता था ढाई घंटे का, अब इन्होंने कर दिया मात्र 2 घंटे। इसके थ्रू जो कॉलेजेस मिलते हैं वो है एमआईटी बैंगलोर, एमआईटी सिक्किम और मणिपाल जयपुर, एमयूजे मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। तो इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको 3 कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है और अपन बीटेक कोर्स के ऊपर ही बात कर रहे होंगे केवल। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी बारे में। देखो, मिनिमम मार्क्स 12 के साथ में आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स होने, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स प्लस कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री हो सकता है, तो इनके अंदर 50% मिनिमम आपका एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, ये सब्जेक्ट्स होंगे इसके अंदर। कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड हिज 10+12 लेवल विद फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट विद ऑप्शनल सब्जेक्ट एज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सिंपल सी चीज है, ज्यादा कोई बड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं, एकदम नॉर्मल सा जो दूसरे एग्जाम का होता है वैसा ही है ये। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी एग्जाम की, वो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न जो इस साल कंप्लीटली चेंज होगा। तो मैंने स्लाइड भी वापस डिजाइन किया, पहले मैंने कर रखी थी पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो देखो, मैथमेटिक्स के अंदर 15 MCQ + 5 न्यूमेरिकल आंसर टाइप, न्यूमेरिकल आंसर टाइप NAT, इसका मतलब होता है जो JEE एडवांस के अंदर पैटर्न होता है कि आपको न्यूमेरिकल के अंदर, न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर, फिर डेसिमल वैल्यू के अंदर आपको आंसर देने होते हैं, उस हिसाब का इसके अंदर होगा, मतलब ऑप्शन नहीं होगा इसके अंदर। तो मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं 15 MCQ + 5 NAT, तो 20 क्वेश्चन मैथ्स के अंदर। फिजिक्स में 10 MCQ + 5 NAT, केमिस्ट्री में 10 MCQ + 5 NAT, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर 15 क्वेश्चंस, तो 30 ये हो गए, 20 मैथ्स के 50 क्वेश्चंस और इंग्लिश के अंदर 10 MCQs, दैट इज 60 क्वेश्चंस ओवरऑल, ठीक है। टोटल हो जाएंगे 60 क्वेश्चंस इसके अंदर। टेस्ट का ड्यूरेशन है 120 मिनट्स, इसका मतलब 2 मिनट पर क्वेश्चन आप दे सकते हो। अब इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। +4 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपने सही क्वेश्चन किया एमसीक्यू के अंदर, और आपने अगर गलत किया एमसीक्यू तो आपका -1 हो जाएगा। और एनएटी जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप, उसके अंदर सेम जो जेई मेंस के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्किंग होती है कि अगर आपने इसके अंदर सही आंसर दिया है तो आपको +4 मिलेंगे, और रॉन्ग आंसर दिया तो 0 मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसके अंदर। मैक्सिमम मार्क्स आपको जाते हैं 240 नंबर। नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, सीएस या फिर कोई भी कोर ब्रांच आपको मेन कैंपस में अगर सिक्योर करनी है तो उसके लिए कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फीस देखो, इंडियन सिटीजन की 2000 है और अगर कोई एनआरआई है तो उसकी 2500 है फॉर्म फीस की। सिलेबस एंड कंपटीशन, देखो सिलेबस बेसिकली क्लास 11 12 की एनसीईआरटी है, बाकी इसका जो डिटेल इन्होंने वेबसाइट के ऊपर सिलेबस अपलोड करा उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो देख लेना, कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं है। मेरे को तो कहीं पर चेंज दिखानी, ऑब्वियसली 11 12 की एनसीईआरटी वही चीज है। और आपको इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा ज्यादा है वीआईटी कॉमेड के इनसे, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है और स्पीड भी आपको ठीक ठाक चाहिएगी। और इस साल इन्होंने 2 मिनट पर क्वेश्चन का टाइम दिया, मतलब डिफिकल्टी लेवल और राइज होगा इस साल। पिछले साल तक तो क्या था, आपको 1 मिनट और कुछ सेकंड मिलते थे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 200 सवाल आते थे पिछले साल तक और 2.5 घंटे मिलते थे। तो इसका डिफिकल्टी लेवल कंसिडरेबल होता है, मतलब ये एग्जाम ऐसा है इसके अंदर आपको थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी एमईटी। जैसे वीआईटी ट्रिपल ई के अंदर आपको एकदम वीआईटी की फोकस तैयारी नहीं करनी अगर आपने जेई मेंस की ठीक ठाक लेवल पर तैयारी कर रखी है, पर एमईटी के लिए आपको अगर जेई मेंस के अंदर आपने 80% 85% 90% तक वाले बंदे हो तो आपको एमईटी की स्पेशल थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, उसकी पेपर पैटर्न्स को सॉल्व करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे इसके, तब जाके आप इसके अंदर थोड़ा अपना स्पीड बना पाओगे, एक्यूरेसी बना पाओगे। मैं मेहनत इसके अंदर आपको थोड़ी करनी पड़ेगी, डिफिकल्टी लेवल इसका थोड़ा हाई है विद रिस्पेक्ट टू दूसरे जो प्राइवेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस होते हैं उनसे,
बिटसेट के अलावा। अब अगर अपन इसके अंदर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन इसका अच्छा खासा रहता है, मतलब क्वालिटी कंपटीशन है, मतलब सेंसलेस भीड़ नहीं जिसके अंदर मैक्सिमम बच्चों को कुछ नहीं आता, मतलब क्वालिटी वाला कंपटीशन है। मैक्सिमम जो क्राउड होगी वो वास्तव में कंपटीशन को फाइट करने के मूड से फॉर्म भरा है, इस टाइप की क्वालिटी ऑफ क्राउड है लड़कों की। अब अगर अपन कॉम्पिटिशन की बात करें तो इसके अंदर देखो क्वालिटी कॉम्पिटिशन, नंबर बहुत ज्यादा नहीं है कॉम्पिटिशन के कैंडिडेट्स का, पर जो कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं वो जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए। मैक्सिमम जो है वो क्वालिटी क्राउड है, जैसे वीआईटी के अंदर क्वालिटी क्राउड नहीं है। अगर आप इसके अंदर थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ ले तो वीआईटी के अंदर तो आपको एक एज मिल जाती है, आपकी रैंक अच्छे से ऊपर आ सकती है, टॉप 10,000 में आसानी से आ सकते हैं अगर आप थोड़ी बहुत ही पढ़ाई कर लेते हो, क्योंकि वहां पे क्राउड के अंदर इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन, मतलब कहते हैं ना क्वालिटी वाली क्राउड नहीं है, इसलिए कॉम्पिटिशन थोड़ा कम है वीआईटी और कॉमेडी के अंदर। पर एमईटी के अंदर रैंक को ऊपर लेके आना थोड़ा कॉम्पिटिशन वाला काम है, थोड़ा मेहनत का काम है। इसके अंदर 2 लाख प्लस कैंडिडेट देते हैं एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, गूगल के अंदर मैंने देखा था, पर ये बीटेक के लिए नहीं है तो आपको घबराने वाली बात नहीं। बीटेक के अंदर 55,000 से 60,000, 55,000 से 60,000 तक के कैंडिडेट्स होंगे बीटेक एग्जाम के लिए। बाकी बहुत सारे कोर्सेज है, फेज वन फेज टू के अंदर एग्जाम होता है, एमबीए बीबीए यूजी प्रोग्राम्स पीजी प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं इसके अंदर। बीटेक के अंदर बात करें तो आपके 55,000 टू 60,000 के कैंडिडेट से आपको कॉम्पिटिशन जो आपका है वो इतने ही बंदों से है। तो मेरी पिछले साल मेरी रैंक आई थी 15,000 के आसपास रैंक आई, तो मेरे को मिल रही थी मेन कैंपस के अंदर, कुछ डंकी ब्रांचेज मिल रही थी, सीएसआईटी तो एकदम स्टार्टिंग में खत्म हो जाती है, 1,100 1,200 1,500 तक खत्म हो जाती है वो, पर कुछ अच्छी ब्रांचेज मेरे को मिल रही थी, पर मेरे को लेनी नहीं सीएस और आईटी लेनी, तो मैंने लिए नहीं। बाकी इसका जो जयपुर कैंपस है उसके अंदर मेरे को सीएस आईटी दोनों मिल रही थी। तो आपको अपना टारगेट ये रखना, अगर आपने मान लिया कि मणिपाल के अंदर एडमिशन लेना है तो टॉप 2000 के अंदर आपको आना पड़ेगा मेन कैंपस के अंदर कंप्यूटर साइंस आईटी लेने के लिए। तो उसके हिसाब से अपन कह सकते हैं नए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग 240 नंबर में से आपको 170-180 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे टॉप 2000 में आने के लिए। ये भी मैं थोड़े कम ही बता रहा हूं आपको, इससे ज्यादा मतलब 180 प्लस का ही रहने वाला है इसका कट ऑफ सीएस आईटी के लिए। बाकी जयपुर कैंपस के लिए अगर आपकी बात करें तो आपको टॉप 10,000 या फिर टॉप 15,000 के अंदर आप आओगे तो राउंड 6 काउंसलिंग तक आपको सीएस मिल सकती है जयपुर कैंपस के अंदर भी, तो वो भी कोई बड़ी डील नहीं है। टॉप 10,000 के अंदर एटलीस्ट आने की ट्राई कर रहे हैं, कोई भी कोर ब्रांच आपको चाहिए उसके लिए तो, और उसके लिए आपको मार्क्स चाहिएंगे 240 में से कोई भी कोर ब्रांच के लिए कम से कम 150 प्लस 140 प्लस इतने मार्क्स चाहिएंगे कोर ब्रांच के लिए। और सीएस आईटी जो एकदम तगड़े लेवल की ब्रांचेज उनके लिए 170-180 प्लस का टारगेट आपको रखना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स की रिक्वायरमेंट तो रहे ये नहीं कुछ खास, पर अगर अमेजोन के ऊपर इसके लिए कोई बुक अवेलेबल होगी तो मैं लिंक देख लूंगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। बाकी इसके अंदर आपको स्पीड के ऊपर काम करना, स्पीड के साथ साथ में एक्यूरेसी भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़े ज्यादा आएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट आएंगे, तो आपको एक्यूरेसी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। स्पीड वाली बात पुराने पेपर के अकॉर्डिंग थी, पर इस बार आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। बाकी इसको आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे ऐसी एप्स होते हैं जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं मणिपाल के मॉक टेस्ट, उसके अंदर मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो मणिपाल के, क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि हमेशा से ऑनलाइन हो रहा है तो इसका कोई ऑफलाइन पेपर निकला नहीं, ना ये पेपर को रिलीज करते हैं अपने, जो भी पेपर्स होते हैं वो सारे मेमोरी बेस्ड होते हैं, इसलिए आपको मॉक टेस्ट या फिर कुछ ऐसी ऐप जिसके अंदर आपको अगर मिल जाते हैं मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो उनसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यार ये थी बातें सारी मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, बाकी कॉमेड के वीआईटी ट्रिपल ई बिटसेट जेई मींस WBJEE इन सब के ऊपर डिटेल्ड इस तरह की वीडियो मैंने बना रखी, उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, तो अगर आपने उनको वीडियो नहीं देखी उनकी वीडियोस देख लेना। अब इस एग्जाम की क्या लास्ट डेट है, कब ये एग्जाम होता है, कब इसकी काउंसलिंग होती है, हर एक चीज की अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी, तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं भी अपडेट देता हूं, जो आपके साथी लोग हैं वो भी अपडेट दे देते हैं, तो सारी चीजें उससे सॉल्व होती रहती है। कोई भी डाउट होता है आप टेलीग्राम के अंदर पूछ सकते, और मेरे से अगर आपको डाउट पूछना इस एग्जाम से रिलेटेड तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हो। अब आपको और कौन सी वीडियो चाहिए, कौन सी स्पेसिफाइड टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। वी आर नियर अबाउट 6,000 to 7,000 सब्सक्राइबर्स, 10,000 पहुंचा दो, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।